नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पंचायत चुनाव फिर लटका, अब होगा मार्च में। गिरिडीह में इसी साल के अंतिम सप्ताह चालू माह दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने अथवा चुनाव होने की गुंजाइश पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि अब पंचायत चुनाव नए वोटर लिस्ट पर होंगे, जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को होगा। ऐसे में गांवों की सरकार बनने की उम्मीद लगाए लोगों को अब मार्च महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, कारण कि वोटर लिस्ट के प्रकाशन होने के बाद वार्ड स्तर पर नए वोटर लिस्ट की सूची बनेगी, जिसमें 1 से 1.5 महीने तक का समय लग जाएगा। मार्च महीने में पंचायत चुनाव टलने की गुंजाइशों के साथ जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से तैयारियां धीमी कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव हेतु वोटर लिस्ट वही होगी जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वित्त निर्वाचन हेतु तैयार किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तत्समय वित्त निर्वाचन हेतु प्रवक्त मतदाता सूची प्रयोग में लाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसका अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को निर्धारित है। जिला प्रशासन यह मानकर तैयारी कर रही थी कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना दिसंबर महीने और जनवरी माह में जारी होने का आदेश था, अंदेशा था, लेकिन अब आयोग के दिशा निर्देश के बाद तमाम कयास पर विराम लग गया है। इधर जमीनी स्तर पर भी चुनाव लड़ने को लेकर दावेदार ताल ठोकने लगे थे। लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से ही दावेदारी गांव-गांव में बैठकर कर रहे थे, लेकिन अब इनकी बड़ी गतिविधियों पर जैसे विराम लगा है। पंचायती राज पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब नए वोटर लिस्ट पर होगा। 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसमें नए वोटर जोड़े जाएंगे। उसके बाद नए तरीके से वार्ड पर मतदाता सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब 1 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद भी चुनाव होंगे। इन सभी प्रक्रिया को करते समय लगेगा, संभवतः मार्च माह में चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यह कार्रवाई का दिशा निर्देश दिया गया है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा काला गढ़वा में आवासीय सुविधाओं युक्त नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल एवं CHS आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें।